हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके हिंदी पाठ्यपुस्तक संचयन भाग से जो पहला अध्याय है उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछली कुछ क्लास से हम इस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसी पाठ के आगे के अंश को पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस पाठ का नाम है गिल्लू और इसे लिखा है महादेवी वर्मा ने। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार महादेवी वर्मा के जीवन में गिल्लू का आगमन होता है। आज हम इसके आगे की कहानी को पढ़ेंगे। आगे लेखिका कहती है, जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दो पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। बच्चों, यहाँ पर लघुगात का अर्थ है छोटे शरीर वाला। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आँखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजे से पकड़कर उसे कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने किले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने का सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। नित्य का क्रम यानी कि रोज होने वाला कार्य। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को भी मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई है। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता, यानी कि गिल्लू ही एक ऐसा पशु था जो लेखिका के साथ उनकी थाली में खाता था। तो बच्चों, आज इस पाठ को यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे का अंश हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।